अरमान और रूही का जुड़दार रिश्ता। अरमान के गले में अटका फंदा। अरमान को बचाने आई अभीरा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में शुरू हो गई है तैयारियां अरमान और रूही की शादी की। ऐसे में रूही तो बहुत खुश है और देखिए कैसे पहुंच गई है अरमान के पास उसकी शादी के कपड़े ट्राई करवाने के लिए। इसी बीच वो अरमान को टाई पहनाने लगती है कि तभी गलती से वो टाई का नॉट टाइट हो जाता है और अरमान के गले का फंदा बन जाता है। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर अभीरा रहती है जो अपना दिमाग लगाती है और झट से कैंची से वो फंदा काट देती है। अरमान तुम्हें सांस आ रही है? Are you okay? अरमान, अरमान breathe, breathe, are you okay? Are you okay? सांस आ रही है? हमारे कमरे में बिना लॉक किए आपके आने की हिम्मत कैसे होगी? अरमान को साथ ही पता था ना कि हम दोनों इस कमरे में अकेले हैं। अरमान को सांस नहीं आ रही थी, वो आपके लिए अरमान नहीं है मिस शर्मा, वो आपके लिए सिर्फ सर है। सर को सांस नहीं आ रही थी इसलिए मैं कमरे के अंदर भाग गई। आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे यहाँ होते हुए भी आपकी यहाँ जरूरत? मिस शर्मा, मिस्टर अरमान मेरे मंगेतर और उनकी हर मदद मैं कर सकती हूँ, आप अपने काम से काम रखिए। हमने कुछ सीन शूट किए हैं, आंख मिला पाना मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है बिकॉज़ ये काम है, मैं प्रोफेशन से गई हूँ तो एक बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच हमने रखा है कि मतलब जी सर आप जो भी चाहें और आपके लिए सारे अरेंजमेंट मैं ही करने वाली हूँ और मतलब उस तरीके से अप्रोच होगी। लेकिन जब मैं अकेले होंगी या जब मुझे कोई नहीं देख रहा होगा और जब मैं आँख चुरा रही होंगी तब यही होगा कि मतलब मैं टूट रही होंगी अंदर से कि मतलब यार पूरी दुनिया में यही एक काम बचा था करने के लिए। बेचारी अभीरा, उसने तो अपने दिल पर पत्थर रख लिया है और मजबूरी में ये काम कर रही है क्योंकि उसे पैसे कमाने जो हैं। ऐसे में देखिए कैसे वेडिंग प्लानर बनकर वो पोदार हाउस में पहुंची हुई है, हाथों में ट्राईपॉड और कैमरा लिए अरमान और रूही के पीछे पीछे घूम रही है ताकि उनके स्वीट्स मोमेंट्स वो अपने कैमरे में कैद कर सके। और तभी उसे नजर आता है कि रूही अपनी एंगेजमेंट की अंगूठी जमीन से उठाती है जो अरमान से गिर गई थी और वो उसे सवाल जवाब करती है। इससे पहले कि अभीरा अपने टूटे हुए दिल को वहाँ से ले जा पाती, रूही उसे देख लेती है। ऐसे में अभीरा को मजबूरी में दुखी दिल से ही सही अरमान और रूही का वीडियो बनाना पड़ता है जहाँ पर रूही अरमान के साथ बैठकर अपने प्यार को जाहिर कर रही है। रात के बाद सुबह का सूरज देख के सबको खुशी मिलती और रूही के साथ शादी मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला। काफी गलतियां करने के बाद पहली बार कुछ सही करा, ये मुझे और मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। एक्चुअली इमोशनल इसलिए हूँ बिकॉज आई मीन शादी प्लान करना अलग है लेकिन शादी भी किसकी प्लान कर रही हूँ? उसकी जिससे मैं प्यार करती हूँ। और मतलब मजबूरी है मेरी कि मैं और कोई काम नहीं कर सकती, नहीं मिल भी नहीं रहा है, सब पीछे पड़े हुए हैं, संजय मुझे कहीं पे भी काम नहीं करने दे रहे हैं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यहाँ पे मुझे नौकरी ऑफ़र की है, इतनी अच्छी सैलरी है तो मैं कैसे मना कर दूँ? मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो जिनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते वो चूज़ नहीं करते, वो बस काम करते हैं। भाई वाकई इन दिनों तो अभीरा के सिर पर दुखों के बादल मंडरा रहे हैं। अभीरा को रहने के लिए उसकी बॉस ने नया कमरा तो दिया ही, साथ ही दिया पहला काम और वो है अरमान और रूही की शादी की प्लानिंग का, जिसे अभीरा करना तो नहीं चाहती और अपनी मैम से गुजारिश भी कर रही है लेकिन क्या करे, पापी पेट का सवाल है, मजबूरी में अभीरा को ये काम करना ही पड़ेगा। मुंबई
मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो आप जल्दी से जाकर अपने व्हाट्सएप पर हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।